रुसूमात है जिसे हमें निभाना भी जरूरी है। कमेटी की तरफ से ये हुक्म हुआ है और इनके हुक्म को टालना गोया के लिफाफे को खतरे में डालना के बराबर है, तो मैं इनके हुक्म की तामील करूंगा। और ये पूरा पढ़ा हुआ मजमा है, कसम खुदा की, जिला बिजनौर में आओ, अमरोहा में आओ, नौगावा में आओ, तो ऐसा महसूस अंदर से फीलिंग करता हूँ मैं अपने आप को कि खाना काबा में मुशायरा पढ़ रहा हूँ। बहुत कम लोग रहते हैं जो बाशारा ना हो, हर शख्स बाशारा, पढ़ा लिखा आदमी, सर पे टोपी, चेहरे पे सुन्नते रसूल सजा हुआ और माशाल्लाह वजह कता भी दुरुस्त, इस्लामी लिबास में रहते हैं। और शेर जब सच्चा हो, अच्छा हो, तो गजरौला की सरजमी, बिजनौर की सरजमी, इस दयार के अंदर ये कहने की जरूरत नहीं कि आप सुभान अल्लाह बोलिए। मैं तो शायरों से कहता हूँ और कहना भी चाहता हूँ कि आप ज्यादातर एक मिसरे को ज्यादा दोहराने की जरूरत नहीं कि कोशिश कीजिएगा, नहीं तो सानी मिसरा यहीं से बैठे बैठे ट्रांसफर कर रहे है कि नहीं। तो आपकी समातें बड़ी अच्छी है। आइए, हमारे कुछ मेहमान ज़ी-वक़ार तशरीफ लाए हैं, इनसे कुछ उम्मीदें इन लोगों को वाबस्ता है। हम मैं अपने तहे दिल से, दिल की अमीर गहराइयों से हम उनका इस्तकबाल करते ही हैं और तमाम लोगों की तरफ से करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि प्रोग्राम का आगाज तो हुआ है लेकिन ये बाज़ाब्ता जो ये फीता काटने का एक नज़्म रखा गया, इसे किससे कटवाया जाए, किसी मोतबर शख्स को बुलाया जाए। हमारे फहरिस्त में दो तीन नाम है। अतीत प्रधान साहब, आली जनाब अतीत प्रधान जी से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाए। और डॉक्टर नरेश कुमार शर्मा जी, मदन पाल प्रधान जी, इन तीनों साहिबान से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाए और अपने दस से इस फीता का काट के बच्चे लोग जा रहे हैं, देखते रहे भाई माशाल्लाह। ये अल्लाह का करम है कि हमारे ये वो नेता हैं जो माशाल्लाह सिर्फ फीता काटने का काम कर रहे हैं, किसी का दिल और जेब नहीं काटने का काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। हाँ, सदरे मुशायरा जिगर साहब तशरीफ ले आए, क्या बात है भाई, वाह क्या बात है, बहुत अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। डॉक्टर नरेश कुमार शर्मा जी और मदन पाल प्रधान जी और हमारे इस इलाके के सबसे सीनियर शायर, उस्ताद शायर जनाब महेंद्र अश्क जी ये बैठे हुए हैं, इन तमाम के नजर चार मिसरे करना चाहता हूँ, इजाजत है? माशाल्लाह, शाकार हो तो भेष बता क्यों नहीं देते, शाकार हो तो भेष बता क्यों नहीं देते, अरे राम हमें अपना पता क्यों नहीं देते, हम कागजी रावण को हर साल जला देते हैं, तुम भीतरी रावण को जला क्यों नहीं देते, हम कागजी रावण को हर साल जला देते हैं, तुम भीतरी रावण को जला क्यों नहीं देते। रावण का पुतला जलाने से काम नहीं होगा, सबसे बड़ा रावण ये दिल में पलता है, अंदर के पाप को जलाइए तब जाके काम बनेगा। खैर, ये लोग आए हैं, इनका हम इनके शुक्रगुजार हैं। सबसे बड़ी बात, मुझे बड़े दिनों के बाद, बहुत मुद्दत के बाद, आपके जिला बिजनौर का एक फर्द ऐसा भी है जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने माशाल्लाह दौलत और सर्वत से भी खूब नवाजा है लेकिन गुमनामी की जिंदगी वो गुजारना चाहता है। आप जानते होंगे हमारे बड़े भाई अभी तनवीर साहब के बगलगीर है जिसे हम नवाब के नाम से याद करते हैं, नवाब भाई। माशाल्लाह मेरा ख्याल है कि ये बड़े बिजनेसमैन के साथ साथ माशाल्लाह कई मुल्कों में जाते हैं, मेरा ख्याल है कि 25 से 50 मुल्कों को इन्होंने अपने कदमों से रोक दिया है, ये बहुत बड़ी बात है, इनका भी हम स्वागत करते हैं। और बिलखुसूस हम गुजारिश करना चाहते हैं नवाब भाई से कि कुछ माल उल रमजान करीब है तो ये जामिया इस्लामिया दारुल उलूम का भी आप ख्याल कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपका ये इदारा, महबूब इदारा, बहुत कम मुद्दत में इतना प्रवास किया है,
तो इंशाल्लाह नवाब भाई से हम कोशिश करेंगे इस तरह का काम कराने का, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो करेंगे। आइए मेरे दोस्तों, हमदे बारिये ताला के चंद शेर पढ़ना चाहता हूँ, हुसूलो खैरो बरकत के लिए उस रब्बे कायनात की बारगाह में हाजिर करना चाहता हूँ, जो हमारा और आपका रब है, जो पालनहार है, जो हमें खिलाता है, पिलाता है, जिलाता है, जिनके कब्जे कुदरत में हमारी और आपकी जिंदगी। मेरे दोस्तों एक हमद इसकी मुझे दादो तहसीन अगर कहीं मिलेगी, इसकी पिजीराई होगी तो यही हो सकती है, जिनकी हमदो सना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रहमते कामिला और रहमान रहीम, इज्जत कुबरा मालिकी यौमिद्दीन, तरीके इबादत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सीधे रास्ते पर चलने का नाम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, और सीधे रास्ते पर चलने वाले इनामी याफ्ता लोगों के लिए सिरातल लजीन अनअमत अलैहिम, और वो जो करोड़ों लोग जो गुमराह हो गए भटक गए उनके लिए गैरिल मगदूबी अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। अगर आप इजाजत दे तो आपके जज्बात और एहसासात का इम्तिहान चंद शेर से लेना चाहता हूँ। एक मरतबा पेश की एडवांस में बोल दीजिए सुभान अल्लाह, पूरा मजमा आगे से पीछे तक दोनों हाथों को उठा के लहरा के बोले सुभान अल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। शेर सुने मेरे दोस्तों के, मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है। आए है कसम खुदा की, मेरे शेर पर हर वो शख्स सुभान अल्लाह कहे जो मर्द हो, जो खामोश हो, फैसला करेंगे गजरौला वालों बिजनौर वालों, आप लोग मुझ में से हैं या किसी और में से हैं, इंशाल्लाह मेरा कोई भरोसा नहीं कि कब कौन से जुमले में दाग दूं और कौन सी दुआ दे दूं, है कि नहीं। माशाल्लाह तमाम असातिज़े कराम बैठे हैं, ये जिला बिजनौर है, यहाँ कहने की जरूरत नहीं, इंशाल्लाह दाद मुझे मिलेगी, इंशाल्लाह दाद के साथ साथ यहाँ खाद भी मिलेंगे इंशाल्लाह। एक बड़ी बात बताना चाहता हूँ, आज जितने भी लोग यहाँ आए हैं वो आप इनाम इकराम से नवाजेंगे तो हजरत हसन बिन साबित की सुन्नत अदा हो जाएगी, जो आकाए नामदार मदीने के ताजदार आमना के दुर्र यतीम लाल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमली मुबारक हजरत हसन बिन साबित को पेश करते हैं, यहाँ तक कि अपना मिंबर अता कर देते हैं। मेरे दोस्तों तो ये सुन्नत को आप अदा कर लेंगे, दूसरा सवाब आपको ये मिल जाएगा कि सारे शोरा जितने इनामात हैं वो अपने जेब खास में नहीं बल्कि दारुल उलूम के हवाले कर देंगे। आपका जो ये इदारा है, इंशाल्लाह मैं गुजारिश करना चाहता हूँ शोरा को कि आपके आवाज का सदका यही है, आपके आवाज के अंदर तवानाई उसी से आ सकती है कि कभी कभी अपने इनाम को कुर्बान कर दीजिए इस इदारे पे। एक से डेढ़ साल का मदरसा और देखिए माशाल्लाह कितना प्रवास किया है, माशाल्लाह मौलाना शौकीन साहब जवान है, उसके साथ साथ इनके जितने भी कन्वीनर हजरात है वो सब जवान है, महिंदर अश्क जी को छोड़कर तमाम शायर जवान है, यहाँ तक कि आपका नाजिम जवान है, मजमा भी जवान है। हमने बड़ों से सुना है और पढ़ा है कि जन्नत में किसी बूढ़े की कोई गुंजाइश ही नहीं, हर जन्नती जवान है। पता ये चला कि मोहम्मद का उम्मती कभी बूढ़ा नहीं होता। शेर सुने कि मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है, मैं कतरा जब भी मांगू वो समंदर भेज देता है, अरे वो इबरत नाक कर देता है जालिम की कहानी को, वही इबरत नाक कर देता है जालिम की कहानी को, अरे वही फिरौन के घर में पैगंबर भेज देता है, वही इबरत नाक कर देता है, वही इबरत अब मौलाना शौकीन साहब अब आपको गुलाब का फूल मुझ पे लुटाना चाहिए, बेमौसम लुटा रहे थे, बनकर गुलाब बागे नबी में खिला करो, बनकर गुलाब बागे नबी में खिला करो, अशार सुन के यारों कभी हिला करो, क्या बात है वो अशार सुन के यारों कभी तो हिला करो, है ना। शेर सुने माशाल्लाह, मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अपना हक लेने के लिए मांगा नहीं जाता, कंठ में हाथ धके ले लिया जाता है, तो मैं ये चाह रहा था कि ये मुझ पे फूल कर लुटाएंगे नहीं तो हम ले ही लेते हैं इनसे, मुझे छीनना भी आता है। हम प्रशासन के लोगों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, हमारे बहुत पुलिस वाले भाई माशाल्लाह पूरी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं, दिलो जान के साथ दे रहे हैं, अल्लाह इन्हें भी सलामत रखे, भगवान इनकी रक्षा करे। आइए मेरे दोस्तों, मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज, मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है, मैं कतरा जब भी मांगू वो समंदर भेज देता है। शेर सुनिएगा दोस्तों कि वही महफूज रखता है नबी को गार के अंदर,
वही महफूज रखता है नबी को घर के अंदर। अरे वही तो मकड़ियां जाले कबूतर भेज देता है, वही महफूज रखता है। वाह 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 क्या बात है, वही महफूज रखता है नबी को घर के अंदर, वही तो मकड़ियां जाले कबूतर भेज देता है। उसी के दम से है कायम ये रोशनी का निजाम, उसी के दम से है कायम ये रोशनी का निजाम, जो बुझे चांद तो सूरज निकाल देता है। क्या बात है, कायम ये रोशनी का निजाम, जो बुझे चांद तो सूरज निकाल देता है। मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है, मैं कतरा जब भी मांगू वो समंदर भेज देता है। अपने बिहार की बातें करता हूँ, मुझे याद आता है कि जिंदगी जैसी कटे धाक भी मिल सकती है, कीमती जिस्म पे पोशाक भी मिल सकती है, ये सियासत है। मगर जान लो कुत्तों की तरह तुम हिलाओगे तो खुराक भी मिल सकती है। तो इन चीजों से हटकर ये मदनी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठे हैं, मुझे किसी सरकार की जरूरत नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह शेर पढ़ना चाहता हूं। देखिए हजरात के हुनर सभी को यहां हसबे हाल देता है, हुनर सभी को यहां हसबे हाल देता है, हर एक किसी किसी को वो रोशन ख्याल देता है। वाह वाह वाह, थोड़ा सा बोले भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जियो के जमाने में मिस कॉल से काम नहीं चलेगा। हुनर सभी को यहां हसबे हाल देता है, किसी किसी को वो रोशन ख्याल देता है, अरे वो देखे मर्तबे जाहिल गंवार लोगों को, शऊर मंदों को हैरत में डाल देता है। क्या बात है सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, लोगों को शऊर मंदों को हैरत में डाल देता है। ये शेर पढ़ना था इसलिए मैंने आपका वक्त लिया। नवाब अख्तर साहब की भी तवज्जो चाहता हूं, दीगर जितने भी उमरा रूसा हजरत हैं उनसे तवज्जो चाहता हूं। शेर देखे हजरत के, हुनर सभी को यहां हसबे हाल देता है, किसी किसी को वो रोशन ख्याल देता है, वो ऐसे वैसे को देता है दौलतें, लेकिन वैसे वैसे को देता है दौलतें, लेकिन हरे नसीब वालों को रिज़्क़े हलाल देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वैसे वैसे को देता है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब मुजाहिद भाई, क्या बात है, वाह जिंदाबाद, क्या बात है, मेरे शायरी के मेराज हो गए। जिगर साहब के जेरे लब मुस्कुराहट मुजाहिदी मुजाहिद हसनैन हबीबी के शायरी के मेराज, माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। हुनर सभी को यहाँ हसबे हाल देता, वो ऐसे वैसे को देता है दौलतें, लेकिन नसीब वालों को रिज़्क़े हलाल देता है। हुनर सभी को यहाँ हसबे हाल देता है के दरे रसूल पे हमने बड़े बड़े देखे। बहुत खूब, दरे रसूल पे दरे रसूल हमने बड़े बड़े देखे, अरे गुलाम बनते हैं कैसे खड़े खड़े देखे। बहुत खूब बहुत खूब, और बोले भाई सुभान अल्लाह माशाल्लाह। मैं समझ जाऊंगा कि वही समोसा वाले हैं आप लोग, हाँ नहीं है तो थोड़ा सा बताइए। ये सनाया उलिया सनाया सुफला जो दिखा रहे हैं उससे बेहतर है कि दो इंच की जबान हिलाए तीन किलो की मुंडिया ना हिलाए। ये ख्याल रहे, ये मदरसे के तालिबे इल्म बहुत शरीफ होते हैं, कितने शरीफ होते हैं, हम भी तालिबे इल्म रह चुके हम जानते हैं अच्छी तरह से, है कि नहीं। मदरसे के तालिबे इल्म का क्या कहना, मौलाना मुझे याद आता है कि एक मदरसे के बहुत करीबी थे एक बूढ़े चचा, हमेशा ख्याल क्या करते थे, गोश्त ला के देना, सब्जी ला के देना, ये वो डिटेल सारा चीज वो करते थे। अचानक उनका इंतकाल हो गया तो नाजिम साहब ने ऐलान किया कि वो चचा का इंतकाल हो गया है, आज छुट्टी रहेगी। जितने हिप्स के क्लास के जो लड़के थे हम भी थे, खुश हो गए कि आज आमोख्ता नहीं सुनाना पड़ेगा, सबकन पारा नहीं सुनाना पड़ेगा, ये तमाम के लिए हम लोग जश्न मनाने लगे। असर के बाद जैसे निकले बाहर टहलने के लिए चहलकदमी के लिए, तो दोस्तों देखते हैं कि तीन चार बूढ़े एक कोंटे पे बैठे हुए नुक्कर पे गुफ्तगू कर रहे थे। तो हमारे एक दोस्त बहुत शरीफ थी, उसने कहा मुजाहिद भाई कुछ देख रहे हैं खूबसूरत सा मंजर, हमने कहा नहीं, कहा दो चार छुट्टियां उधर भी बैठी। ये है मदरसे के तालिबे। खैर आइए, आपके चेहरे पे तबस्सुम बिखेरने के लिए इन जुमलों का मैंने सहारा लिया। आइए मेरे दोस्तों, तरे रसूल पे हमने बड़े बड़े देखे, गुलाम बनते हैं कैसे खड़े खड़े देखे, अरे अजब है इश्क जो बीमार उठ नहीं सकता, वो चाहता है मदीना बड़े बड़े देखे। बहुत खूब बहुत उम्दा, अजब है अजब
भाई जो बीमार उठ नहीं सकता। भाई भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कसम खुदा की मेरी शादी में इतना माला किसी ने नहीं पहनाया था, मेरी आरजू पूरी हो रही है नाते रसूल के सदके। दरे रसूल पे हमने बड़े बड़े देखे, गुलाम बनते हैं कैसे खड़े खड़े देखे। आजा भाई इश्क, जो बीमार उठ नहीं सकता वो चाहता है मदीना पड़े पड़े देखे। एक शेर एक शेर इरशाद इरशाद, उसके बाद इंशाल्लाह पूरी तवानाई के साथ। बिल्कुल 8 साल का बच्चा, कसम खुदा की पूरा घराना आलिमों से भरा पड़ा है, हाफिज कुरान मुफ्तियाने किराम पूरा घर, जिनके दरो दीवार भी घर की शायरी शायरी करते हैं, जिनका शायरी ओढ़ना बिछौना जिनके घर के अंदर, उनके आने के बाद आप अंदाजा लगा लेंगे। लेकिन एक शेर और बर्दाश्त कर लीजिए। देखिए हजरात, अल्लाह के रसूल को, अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं, जो मानता नहीं, थोड़ा धीरे से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, थोड़ा और धीरे बोलिए सुभान अल्लाह। अब समझ में आया, बिजनौर के लोग धीरे का मतलब तेज समझते हैं। मैं रॉन्ग जा रहा था, ठीक। देखे देखे देखे, अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं वो शख्स बेवकूफ है, कुछ जानता नहीं। सुभान अल्लाह, अल्लाह के रसूल वो शख्स बेवकूफ है कुछ जानता नहीं। अरे तुम हाल उसका देखना महशर के रोज, जब आका कहेंगे मैं इसे पहचानता नहीं। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। तो मुझे याद आता है कि उर्दू का एक आदमी है अंजुमन में, चुप चुप चुप, ऐसा नहीं है कि उर्दू से वो बदगुमान है, शुगर का वो मरीज है, परहेज है उसे। उर्दू को लोग कहते हैं मीठी जबान है, तो अगर आप नहीं बोलेंगे तो हम समझ जाएंगे सब शुगर के मरीज बैठे हुए हैं। मुझको शुगर का मरज है तो ये पत्थर कैसा, मुझको रसगुल्ले से मारोगे तो मर जाऊंगा। थोड़ा सा बोले, आप बोलते हुए अच्छा लगते हैं। एक शेर पढ़ता हूँ, हिंदुस्तान के ऐसे लहजे तक पहुंचने की जसारत करता हूँ कि आप अपनी आंखों के इंची टेप से नापेंगे तो सिर्फ 3 फीट का है, लेकिन यकीन जानिए कि लहजा वो है कि माशाल्लाह बड़े बड़े नातिया मुशायरे और जलसे को अपनी मुट्ठी में कैद करने का हुनर जानते हैं। मेरे दोस्तों, रूह से होते हुए दिल के गहराइयों पे अटक करते हैं, ये नाम किसी और का नहीं, आली जनाब अशफाक बहराइची। बहुत हो, बहुत हो। एक शेर सुने, एक शेर समाप्त कर ले, के जिधर देखो नबुवत की चमक महसूस होती है, जिधर देखो नबुवत की चमक महसूस होती है, हर नबी के पाक कदमों की धमक महसूस होती है। थोड़ा सा और बोले, पीछे तक के लोग बोले, भाई लह के बोल दीजिए भाई सुभान अल्लाह, कि मैं अपना मोबाइल नंबर लिखा दूं, 2-4 हफ्ते के बाद मोबाइल पर कह दीजिएगा सुभान अल्लाह, बड़ी देर में। हाँ, जिधर देखो नबुवत की चमक महसूस होती है, अरे नबी के पाक कदमों की धमक महसूस होती है, अरे मदीने की हवा एक रोज मुझको छू के क्या गुजरी, मदीने की हवा एक रोज मुझको छू के क्या गुजरी, अरे अभी तक रूह के अंदर महक महसूस। बहुत खूब, बहुत उमदा हसनैन भाई, बहुत खूब। एक रोज मुझको छू के क्या गुजरी, अभी तक रूह के अंदर महक महसूस होती है। ये कहा जाता है कि वो चाय ही किया जिसमें उबाल ना हो, वो दोस्ती ही किया जिसमें बवाल ना हो। तो जो होना था हो गया, लेकिन यहाँ पर ये बिजनौर की समाते हैं, मुझे एक मर्तबा बता के बता दीजिए कि ताकि ये बिजनौर की सरजमी पे आने की ख्वाहिश तमाम बड़े शायर करते हैं। मेरे दोस्तों, आप अपनी तहजीब के दायरे में रहते हुए सुने, मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे दाद दीजिएगा, लेकिन नाते रसूल के अच्छे अच्छे शेर अगर आपको अच्छा लग जाए, आपकी ईमान के अंदर ताजगी आ जाए, तो बस वहीं से बैठे बैठे धीरे से सुभान अल्लाह कहिएगा। आइए मेरे दोस्तों, नाते रसूल क्या है, मैं पहुंचने की जसारत करता हूँ मुस्लिम शोरा से लेकर गैर मुस्लिम तक। आइए, मेरी मेरा जहन मुंतशिर है, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि काम हो जाए। दिल खैराबादी कहाँ गए भाई? हाँ, ये मेरे दिल खैराबादी, कलेजा खैराबादी, फेफड़ा खैराबादी, हियाला, गुर्दा, अतड़ी, पचौनी सब है मेरे। इसके बगैर मुशायरा अधूरा है, शक्कर के बिना मिष्ठान अधूरा है, तो दिल के बिना हिंदुस्तान अधूरा है।
है कि नहीं, तो इंशाल्लाह यहाँ तक मैं पहुंचने की जसारत कर रहा हूँ। नाते रसूल क्या है, मुझे याद आता है कि हजरत सादी ने कहा कि बलगल उलाबी कमाल ही, बहुत खूब कशफत दुजाबी जमाल ही, हसनत जमीउ खिसाल ही, सल्लू अलैहि व आलिही। पहुंच गया बुलंदी पे अपने कमाल से, खोल दिया अंधेरियों को अपने जमाल से, अच्छी है आपकी तमाम आदतें, दुरूद पढ़े आप पर और आपके आल पर। पाकिस्तान के एक शार ने कहा कि तेरे बोरिए पे सलाम हो के वकारे तख्त मिटा दिया, तेरे झोपड़े पे दरूद हो के जमीन को अर्श बना दिया, तेरे फिक्र फाका ने हल किए माशी आपके मसले, कि तेरी गरीबी ने हम गरीबों को जिंदा रहना सिखाया। दोस्तों ये बात जब डॉक्टर नवाज देवबंदी तक पहुंचती है तो उन्होंने कहा कि हर्फ को, लफ्ज को, जुमलों को जिला दी हमने, उन पे मनसूब ख्यालों को दुआ दी हमने, कह के कुछ नात के अशार बना में अहमद शायरी जा तेरी तौकीर बढ़ा दी हमने। ये बात जब डॉक्टर राहत इंदौरी तक पहुंचती है तो मुझे याद आता है कि जमजमो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताजीम नहीं लिख सकता, मैं अगर सात समंदर भी निचोड़ू राहत तो आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। हजरत राहत इंदौरी के चार मिसरे मुझे फिर याद आते हैं कि हदे शऊर हदे मफाहिम लिख दिया, दुनिया ने तख्तो ताज जरो सीम लिख दिया, लिखना था कायनात की तखलीक का सबब, मैंने लरजते हाथों से बस मीम लिख दिया। मेरे दोस्तों ये बात जब मुनव्वर राना तक पहुंचती है तो उन्होंने कहा कि मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की, मैं मर जाऊं तो बस खाके मदीना मुंह पे मल देना, यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह देना। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों वक्त कम है इसलिए इस बात को यही खत्म करते हैं, ये हमारे मुस्लिम शोरा थे, ये बात जब हमारे बिरादरान वतन तक पहुंचती है, गैर मुस्लिम भाई तक पहुंचती है, यानी हिंदू भाई तक पहुंचती है, तो उनके अकीदत को देखे। मेरे दोस्तों मुझे याद आता है कि कुंवर महेंद्र सिंह शहर बेदी ने कहा कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा। बहुत खूब। रविंद्र जैन ने कहा कि तुम अपने दिल में मदीने की आरजू रखना, फिर उनका काम है जज्बे की आफरू रखना। बहुत अच्छा। मेरे दोस्तों ये बात जब मनचंदाबाई तक पहुंची तो उन्होंने कहा कि तू अंधेरे में कहां ढूंढ रहा है सूरज, देख वो गुंबदे खजरा में छुपा है सूरज, एक सूरज के इशारे पे चली है दुनिया, मेरे आका के इशारों पे चला है सूरज। मेरे दोस्तों ये कृष्ण बिहारी नूर तक पहुंचती है तो उन्होंने कहा कि तू चाहे तहर से निकला तो हरम तक पहुंचा, सिलसिला मेरे गुनाहों का करम तक पहुंचा, ऐ मोहम्मद तेरी मेराज खुदा जाने, मेरी मेराज के तेरे कदम तक पहुंचा। मेरे दोस्तों ये पूरे हिंदुस्तान से जब होके आते हैं तो आपके बिजनौर आते हैं और जनाबे महेंद्र अश्क का दरवाजा खटखटाते हैं तो मेरे दोस्तों कलम वो उठाते हैं, चार मिसरे वो भी रकम करते हैं इस अंदाज में कि मुख्तसर ही मिल जाए जिंदगी मदीने की, मुख्तसर ही मिल जाए जिंदगी मदीने की, हरे सौ युगों में भारी है एक घड़ी मदीने की। जब वहां से लौटोगे पांव धो के पीलूंगा, जब वहां से लौटोगे पांव धो के पीलूंगा, अरे किस्मतों से मिलती है खाक भी मदीने।